नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली शराब घोटाले में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था कि जल्द आऊंगा, आ गया। सब लोगों और सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट के कारण आप लोगों के बीच में हूं, केजरीवाल ने बाहर आते ही यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर में मिलूंगा। कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में उन्होंने मिलने की बात कही है। हनुमान जी का आशीर्वाद उन्होंने कहा कि लेने जाऊंगा। 1 बजे पार्टी ऑफिस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, ऐसी जानकारी है। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। इस देश के लोगों को डर लगने लग गया था। इस देश के लोग उम्मीद खोने लग गए थे कि क्या लोकतंत्र बचेगा इस देश में, क्या संविधान बचेगा इस देश में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश के लोगों को उम्मीद मिली है कि आखिरकार संविधान की विजय होगी, इस लोकतंत्र की विजय होगी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय करने का आदेश दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलेगा, ऐसी जानकारी है। बताते चले कि ब्रजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354 और 354A और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार सीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था जिसे कोर्ट ने नहीं माना, और एक केस को छोड़कर के बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। 2024 के चुनाव में भड़काऊ बयानों की जुबानी जंग तेज हो चली है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा कि उनका छोटा भाई तोप है। 2024 के चुनाव में भड़काऊ बयान की रेस में आगे चल रहे ओवैसी ब्रदर्स ने 15 सेकंड के बयान पर सालार का जिक्र क्यों किया, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पंद्रह सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं, हा? 15 सेकंड कहते बोलो ना, कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा।
तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको चोप है वो छोटे को बहुत रोक के रखा हो। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर दो तुम संभाल लो फिर तुम संभालो सौ सुनार की तो एक लोहार की 15 मिनट ऐसा गर्व है जो अभी भी नहीं भर सका। दो हजार चौबीस के चुनाव में भड़काऊ बयानों की जुबानी जंग तेज हो गई है। ओवैसी ब्रदर्स को उम्मीद नहीं थी कि 12 साल बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर कोई उनके ही गढ़ में आकर इतना करारा जवाब देगा। 15 मिनट पर 15 सेकंड का ऐसा वार हुआ है कि हैदराबाद में ओवैसी भाईजान तिलमिलाए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान पर बयानों के तोप से कई गोले दाग दिए हैं। तोप है वो बोर बच्चा है सालार का बेटा है बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको बहुत मुश्किल से और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। चौथे चरण के मतदान में हैदराबाद सीट का फैसला होने वाला है और हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार की पूरी विरासत दांव पर लगी हुई है और ओवैसी के घर में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता ने ऐसा बयान दिया कि असदुद्दीन ओवैसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माझी सैनिक की बेटी हूँ कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। 15 सेकंड गए बोलो ना कहाँ पे आना आता हूँ मैं तुम्हारे पप्पा से पूछो दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को तुम्हारे घर पे आऊं तुम्हारे ऑफिस गाओ कहाँ पे आऊं बताओ 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये क्या है यहाँ पर। हैदराबाद सीट पर चुनावी घमासान लगातार विवादों में है। हाल ही में माधवी लता का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो सांकेतिक तीर चलाती दिखाई दी। AIMIM ने दावा किया था कि वो मस्जिद पर तीर चला रही हैं। और अब नवनीत राणा के बयान से सियासी पारा चढ़ चुका है। छोटे छोटे अरे छोटे को रोक के रखाओ छोटे को बहुत रोक के रखाओ। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो फिर तुम संभालो छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको चोप है वो बोर बच्चा है सालार का बेटा है बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको बहुत मुश्किल से और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दू कल से शुरू करो बैटिंग अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे सिंगल ले रहे 1 2 3 कर रहे अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अपने बयान में ओवैसी सालार शब्द का जिक्र कर रहे हैं। सालार का मतलब होता है कमांडर या सेनापति। ओवैसी के पिता को लोग सालारे मिल्लत बुलाते थे जिसका मतलब होता था धर्म की रक्षा करने वाला सेनापति। इतिहास के पन्नों में एक और सालार का नाम है उसका नाम था सालार मसूद गाजी जो आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा था। 11वीं सदी में वो भारत आया था और दिल्ली मेरठ में हिंदुओं का नरसंहार किया था लेकिन जब सालार महमूद बहराइच पहुंचा तो उसका सामना पराक्रमी राजा सुहेल देव से हुआ। सुहेल देव ने सालार मसूद को युद्ध में हराया और उसकी यहीं मौत हो गई। बाद में मुगलों ने सालार को गाजी की उपाधि दी और वहीं सालार गाजी की मजार बना दी। साल 2021 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसी सालार गाजी की मजार पर असदुद्दीन ओवैसी ने सजदा किया था जिस पर काफी विवाद हुआ था। दलित ओबीसी और मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3 वोट बैंकों पर घमासान छिड़ चुका है
और वोट बैंक की जग में राहुल गांधी चुनावी सभाओं में संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी ने कर्नाटक की सरकार में दिए गए मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के दो सबसे बड़े एजेंडे हैं। पहला, मोदी सरकार तीसरी बार आई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा एजेंडा ये कि प्रधानमंत्री मोदी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस के पूरे प्रचार के खिलाफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। चौथे चरण के मतदान के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर और पूरे विस्तार के साथ अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी की शब्दावली में संकल्प नजर आ रहा है। मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, कोई भी दलित और ओबीसी का आरक्षण छीनकर किसी धार्मिक वर्ग को नहीं दे सकता है। इसके साथ ही मोदी ने नारा दिया है कि दलित ओबीसी और वंचितों के अधिकार का मोदी है चौकीदार। लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दे कि वो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी। मेरा सवाल सही है कि गलत है? भाई सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी अब आरक्षण के मुद्दे पर बेहद आक्रामक हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में संविधान की किताब लेकर भाषण दे रहे हैं। झारखंड की एक चुनावी सभा में आदिवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाई और ये कहा कि नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़ना चाहते हैं। ये भाई और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है, और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का रुख एकदम साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा उदाहरण दिया है और कहा है कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां रातों रात मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया और इस तरह ओबीसी का हक मार के एक धर्म विशेष को दिया गया। क्या राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री मोदी के इन सवालों का कोई जवाब है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाअघाड़ी आरक्षण का महाभक्षण का महाअभियान चला रही है। आखिर दलित और ओबीसी का आरक्षण सही मायने में कौन छीन रहा है? कर्नाटक के अंदर आखिर किसने ओबीसी का आरक्षण छीन लिया? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने दावों पर कायम है। उन्होंने यहां तक ऐलान किया कि जब मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी तो दलितों को मिलने वाला आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है, अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में बाबा साहब अंबेडकर के नाम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कर्नाटक में बाबा साहब के उसूलों के खिलाफ जाकर धर्म विशेष को आरक्षण दिया गया। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला
ये माफ न कर सके ऐसा पाप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के नाम पर देश को तोड़ा और पाकिस्तान का निर्माण करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि आखिर कांग्रेस देश को कितनी बार तोड़ेगी, और अब एक धर्म विशेष को आरक्षण देने के सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दो लड़कों की जोड़ी की। 7 साल बाद यूपी में फिर एक पुराना सीन दोहराया गया है। कन्नौज से जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां राहुल गांधी प्रचार करने के लिए पहुंच गए। 7 साल बाद अखिलेश राहुल एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि जहां अखिलेश कैंडिडेट है वहां राहुल प्रचार कर रहे थे, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार दो लड़कों की जोड़ी जीत भारी हासिल करेगी या 2017 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। सात साल बाद दो लड़कों की जोड़ी साथ साथ, और हम सब के बीच में आए राहुल गांधी जी। अखिलेश कैंडिडेट राहुल गांधी का प्रचार। बब्बर शेर जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। दो लड़कों की जोड़ी लगेगी नैया पार। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कहता है राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट? साल 2017 यूपी विधानसभा चुनाव का वक्त, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी का वारिश और दूसरा यूपी की सबसे बड़ी क्षत्रिय पार्टी का उत्तराधिकारी, दोनों जब एक साथ आए तो हर किसी के जुबान पर दो लड़कों की जोड़ी का जिक्र था। लेकिन नतीजे आए तो ये जोड़ी ऐसे फ्लॉप हुई कि राहें तक जुदा हो गई। लेकिन 7 साल बाद कन्नौज में दो लड़कों की जोड़ी फिर एक साथ नजर आई है। क्या इतिहास दोहराएगा या नई कहानी लिखी जाएगी? जिस कन्नौज में अखिलेश राहुल 7 साल बाद एक साथ नजर आए, वहां से खुद अखिलेश यादव कैंडिडेट हैं। इस सीट पर 13 मई को मतदान है। खास बात यह है कि आपके प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह भी इस रैली में शामिल नजर आए। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। अखिलेश के तेवर नरम तो राहुल गांधी के तेवर बेहद गरम नजर आए। हालांकि दोनों ही नेताओं के निशाने पर बीजेपी थी, वो भी क्यों ना, सुब्रत पाठक ने इसी सीट से 2019 में डिंपल यादव को हराकर वापस अखिलेश को लौटने पर मजबूर कर दिया। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है,
इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। बहरहाल 7 साल बाद यूपी के दो लड़के साथ साथ नजर आ रहे हैं। वैसे तो 2017 में ये जोड़ी सुपर फ्लॉप रही थी, तब मोदी मैजिक के चलते बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 56 सीटें ही आई। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इतिहास दोहराया तो इस जोड़ी का क्या होगा। कन्नौज चूंकि अखिलेश की सीट है इसलिए राहुल गांधी को उन्होंने बुलाया होगा, और चूंकि कांग्रेस कानपुर से लड़ रही है तो वहाँ अखिलेश यादव जा रहे हैं। तो ये पूरे लोकसभा चुनाव अभियान में अब इनकी दूसरी और तीसरी संयुक्त सभा होगी। अब इनकी स्ट्रेटजी जो है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता ज़्यादा की उम्मीद करती है, लेकिन इनकी जो साझा स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी राहुल गांधी का 2019 के चुनाव में भी बम्पर प्रचार के बाद जीत का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा था। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के प्रचार से अखिलेश को फायदा मिलेगा या साइड इफेक्ट होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।